हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अर्पिता, तुम लोग देख रहे हो अर्पिता लव वाटर कलर। आज जो मैं पेंटिंग लेकर आई हूं उसका नाम है वाटर ट्रांसफर पेंटिंग, और उसको हाइड्रोटिकिंग पेंटिंग भी कहते हैं। मैं डिटेल में सारे कुछ दिखाने वाली हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो, और पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसा अच्छा पेंटिंग लाता रहता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो आप प्यारा सा फ्लावर देख रहे हैं, ये अगर एक प्यारा सा प्लांटर में आ जाए तो उसका खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं वही आज करूँगी, मेरा जो प्यारा सा प्लांट से उसको मैं ट्रांसफ़र करूँगी एक प्यारा सा प्लांटर में। चलो देखते हैं क्या होता है फाइनल लुक। ये जो मेरा गार्डन है ये मैंने ही सजाया है, और मेरा पेड़ पौधे का बहुत ज्यादा शौक रहा है। आज हम करेंगे ये टब को पेंट। ये तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं डिजाइन मैंने बना लिया है, मैं डिटेल में दिखाऊंगी आप लोगों को। मैंने सेलो टेप से डिजाइन कुछ बना लिया है, और उसके ऊपर मैं पेंट करने वाली हूँ। ये पेंटिंग करने के लिए मुझे चाहिए मेरा टब, ये जो सारे मैंने टब मैंने रेडी करके रखे, कुछ न्यूज़पेपर, कुछ पेंट्स, ये सारे मेरा पेंट्स, ये कुछ पेपर्स जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको करने के लिए, और ये कुछ स्टिक्स ऐसे। ज़रूर से ज़रूर केरोसिन ऑयल चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब बुक मार्क्स है, ये सारे पेंटिंग्स मैंने करके रखे है, ये बहुत सारे हैं। आप लोग मेरे सोर्स पे जाके ये सब देख सकते हैं, सब वीडियोस मैंने देख कर रखे हैं। कुछ भी क्वेश्चंस हो या कुछ भी क्वेरीज हो तो आप लोग बेशक मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दे दूँगी। और आप लोगों को ये पेंटिंग कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बोलना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों का ओपिनियन क्या है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। पौधे को मुझे पॉट में डालना है, ये सारे पॉट्स को मतलब सारे प्लांट्स को मुझे पॉट्स में डालना है। तो उसके लिए मुझे प्लांटर भी तो रेडी करना है। एक बाल्टी में थोड़ा सा पानी ले लो, एक्चुअली थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी लेना है, और डिप के हिसाब से कि आपको कितना ज़्यादा मतलब आपके पास जो कुछ भी ऑब्जेक्ट हो तो आप कैसे उसको कितना ज़्यादा डिप कर सकते हैं, ऐसा आपको पानी लेना है। ओके, और यहाँ पर मैंने इनामिल कलर को यूज़ कर रही हूँ, और उसको थोड़ा सा वो जो स्टिक दिखाया था ना उससे ही थोड़ा सा मूव कर रही हूँ, और ये जो मेरा प्लांटर है उसको मैंने डिप किया। ये ड्राई हुए ड्राई हो जाए उसके बाद हम सेलो टेप उठाएंगे। ओके, लुक, अब आप लोग ही बताइए कि ये आप लोगों को मतलब ये पेंटिंग आप लोगों को कैसा लगा ये बताइए। सेलो टेप उठाने के बाद तो पता नहीं क्या होगा, वो तो हम लोग देखेंगे, ड्राई हो जाए उसके बाद देखते हैं क्या होता है।